हेलो बच्चों, शिव साधन क्लासेस में स्वागत आपका। मैं मुकेश पांडे आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे आप लोग के लिए। सबसे पहले तो यह है कि आपकी स्पीड, सबसे पहले तो स्पीड है, स्पीड लेकिन है तो स्पीड बढ़ाएं कैसे। बच्चे लिखना तो जान जाते हैं, समझ में भी आउटलाइन आ गई, लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्पीड कैसे बढ़े। ऑनलाइन तो पढ़ते जा रहे हैं आप, करते जा रहे हैं, देख देख के लिख लिया, लिख लिख के अपना समझ गए, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों को पढ़ने की दिक्कत आती है, सबसे पहले तो पढ़ना आ जाए, फिर उसके बाद स्पीड की बात अलग है। तो पढ़ना, अपनी आउटलाइन को पढ़ना, जैसा कि हम जो भी एक्सरसाइज आपको कराते आए हैं, अगर आप हमारे साथ शुरू से लगे हैं बेसिक क्लास से ही, तो आपको तो ये दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन इसमें जो बच्चे नए हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा कि स्पीड अपनी बढ़ाएं कैसे, यानी कैसे हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस कैसे करें, अपनी आउटलाइन को, अपनी डिक्टेशन को, या अपने सीन पैसेज को। सबसे पहले सीन पैसेज, पहले भाई सीन करेंगे आप, तभी तो डिक्टेशन आपकी लिखी जाएगी। आप डिक्टेशन तभी लिख पाएंगे जब आप बढ़िया से सीन पहले किए होंगे, यानी पहले आप देख देख के लिखना है, फिर आपको सुन के लिखना है। तो देख के लिखना है, देख के लिख भी लेते हैं। अगर आप ये सब आउटलाइन जो हम करा रहे हैं, आप कहीं से देख के कर रहे हैं, वो लिखना तो आपको आ गया, सर जी पढ़ा रहे हैं आपको वो भी समझ में आ गया, आउटलाइन किताब बनी वो भी समझ में आ गई, लेकिन स्पीड कैसे बने। इसके लिए सबसे पहले मेन जरूरी है अपनी आउटलाइन को पहचानना। जैसे हम अंग्रेजी या हिंदी में लिखते हैं कोई चीज़, फटाफट लिखते गए, आँख बंद है तब भी हम लिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल रटा हुआ है, एकदम दिमाग में बैठ गया। सबसे पहले तो आप सब चिन्ह की अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, बुक को अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपकी। जैसे हमारी ऋषि प्रणाली पढ़ाते हैं, ऋषि आप जो भी मानक में, किसी भी विशिष्ट में, किसी भी पढ़े, पहले आपकी बुक अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए, सारे रूल्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, फिर आउटलाइन को जो लिखें उसको पहचाने। और मेन चीज़ है जो अपनी ग्रामर है, ग्रामर मतलब जो हमारी शुद्ध भाषा है, जहाँ पे हमें जो बोलना चाहिए वही बोलें, उसको हमें पहचानना है। तो इस तरह से सबसे पहले एक एक चीज़ें आपको बताएंगे। आज हम आपको सबसे पहले तो अपनी आउटलाइन लिखना और पढ़ना, पढ़ना कैसे है, फिर उसको अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, फिर आपको उसकी स्पीड कैसे लानी है, ये हम आपको बताने चल रहे हैं। कहीं से भी मान लीजिए हमने 100 वर्ड, ज़्यादा नहीं, 100 वर्ड हमने ले लिया, 100 वर्ड हम कहीं से ले रहे हैं, 100 वर्ड कहीं से भी लिख रहे हैं। मान लीजिए आपने कहीं से भी निकाल लिया 100 वर्ड, आपने 100 वर्ड है 50 50 100, पहले 100 लिया, 100 में, लेकिन पहले हम 50 लेंगे, 25 लेंगे, 10 लेंगे, जितना मर्जी हम लेंगे, मर्जी मतलब कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा। नियम तो ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम कम से कम शुरुआत करेंगे। जब शुरुआत कर रहे हैं तो हम कम से कम करेंगे। तो जैसे कि एक चित्र लिख रहे हैं, लिखते जाएंगे, आप पहले समझेंगे कैसे है। सबसे पहला तरीका तो आपकी, जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी है, सबसे पहले अपनी कॉपी को 3 भागों में आप कर लेंगे, ये सबसे पहला तरीका है। आप बिल्कुल इस तरह से करेंगे कि आज से हमारी बात मान लेंगे, अगर आप 1 हफ्ते करके देखेंगे तो आपको 100% दिक्कत आ ही नहीं सकती। 1 हफ्ते, बस 1 हफ्ते ऐसी बात मानिए। को कितने वर्ड लिख रहे हैं, तरीका पहले समझिए। पहले कॉपी जो है आपकी, ये 3 भागों में होनी चाहिए। ये सबसे पहले ये फेयर है आपका, ये फेयर है और ये रफ है। ये अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे शुरुआत से, तो आपको समझ में आ गई होगी बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं। उस चीज़ को बच्चे भूल जाते हैं, इसको अमल में लाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको शुरू से अंत तक आप देखिएगा और इस पर अमल करिएगा, और ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते आप करके देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, हाँ ये कुछ अच्छा रहा। तो इसलिए ऑफलाइन जो बच्चे हमारे आसपास आते हैं या जूम ऐप पे जुड़े हैं, वो बहुत जल्द स्पीड कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें, जब आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें, स्पीड कैसे नहीं आएगी। पहले आप करके तो देखिए, अब जैसे लिखा हमने महोदय, महोदय आपका चिन्ह है महोदय। अब मान लीजिए महोदय आप लिखा है, आपको समझ में आ गया महोदय, हमने आउटलाइन भी बना दे दी, आप हमारी PDF मान लीजिए निकाल लिए होंगे टेलीग्राम से, तो आप हमारी PDF देख लिए, आंसर आपने देख लिया, महोदय आपको मालूम है ऐसे बनता है,
लेकिन ये जल्दी नहीं बन रहा, इसीलिए हमने यहाँ पे रफ बनाया है। आप महोदय 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 ऐसे प्रैक्टिस कर डाले। दूसरा यह मानना, या ये बीच में सर्किल आए क्लास चाहे मान या ना, यह मानना कि उनको, अब वही जैसे मानना नहीं समझ में आया फटाफट फटाफट रफ में कई बार प्रैक्टिस कर, मानना कि उनको रोका नहीं जा सकता। ये रो का ये नहीं, ये जा सकता जोर से लेकिन हम अलग ले, जा सकता जोर सकते थे लेकिन नहीं जोर, गलत है ये, गलत गलत है। अब ये हमने इतना लिख दिया, इसमें सबसे पहले हमें देखना जो आउटलाइन हमारी नहीं बन रही है उसको, जैसे रोका नहीं जा सकता, अगर रोका नहीं जा सकता एक साथ लिखने मन है तो ये रोका ये नहीं ऐसे बनाना थोड़ा, जा सकता। अब ये मान लीजिए नहीं जल्दी बन रहा, तो आप रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, कई बार ऐसे ऐसे हमने बना लिया। अब गलत है, गलत है मान लो नहीं समझ, फटाफट लिख लिया। अब लिख लिया, आपको हम बता चुके बराबर, अब आपको यहाँ से नहीं देखना है कुछ नहीं, आपको ये सब किताब बंद, अपनी आउटलाइन को पहचानना है, अपनी आउटलाइन को पहचानना है। तो कैसे पहचानना है? महोदय ऐसे नहीं आप कॉपी में हाथ रख लिए महोदय पढ़े, इस तरह गलत है। आपको जब भी पढ़ना है तो लिखना है, यानी आपका काम लिखने का है, बराबर आपको लिखना है, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तो आप इस तरह से पढ़ेंगे, क्या है महोदय, महोदय यह मानना, लिख कर पढ़ेंगे यह मानना कि उनको उनको रोका नहीं, अगर नहीं ऐसा लिखा नहीं जा सकता। अब गलत है ये, गल ये ता और है, यहाँ से आउटलाइन देखा और पढ़ा, फिर अगर मान लीजिए इसमें फिर जल्दी नहीं बना तो कोई, फिर इसको अपना हमने फिर दोबारा लिखा, तुरंत दोबारा लिखा, पढ़ जितनी बार पढ़ना है उतनी बार हमें लिखना है, पहले तो अपनी आउटलाइन पहचान में आ जाए। और ये नहीं हमने इकट्ठे 200-500 ले लिए, पहले जो भी 2-5-10 जितना आपकी शुरुआत में आपकी इच्छा आपकी क्षमता हो, मान लीजिए जितना ले लिया हमने, दो बार इसको अच्छे से लिख लिया, जो और जल्दी नहीं बना यहाँ पे हमने उसको रफ में प्रैक्टिस कर लिया। अब मान लीजिए इतने हमें डिक्टेशन लिखनी है, अब डिक्टेशन आपके पास है अपनी रिकॉर्डिंग, या आजकल इतनी रिकॉर्डिंग पड़ी है आपने यूट्यूब पे देखा आपने निकाला, उसको आप पहले 80 पे लिखे, अब 80 चलाए और लिखे महोदय, मान लीजिए स्पीड लिखे, चल रही है स्पीड इस 80 पे चल रही है, या उसको 25% रिड्यूस कर लिए या 25% बढ़ा लिए, जो भी स्पीड है आपने पढ़ के सुना, जैसे बोलते जा रहे हैं हम, आप लिखते जा रहे हैं महोदय यह मानना कि उनको रोका नहीं जा सकता गलत है। अब मान लीजिए इसमें एक आध वर्ग छोड़ गया, जैसे रोका नहीं जा सकता कोई छोड़ गया, तुरंत आपने पॉज किया, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 1 सेकंड, 30 सेकंड, जितने का भी है आप लगा पॉज किया, आप लगा कि हमारा ये वर्ड ये गड़बड़ कर रहा था, ये जल्दी मान लो ये नहीं बना, कोई भी जल्दी नहीं बन रहा था, गलत नहीं है मान लो, गलत है यही जल्दी नहीं बना, तो इसको हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया, जो भी वर्ड नहीं बना फिर हमने प्रैक्टिस कर लिया, और पहले तो प्रैक्टिस कर लिया, अब जितना लिखा है उसको हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे यही तरीका, महोदय यह मानना कि उनको रोका नहीं जा सकता गलत है, इस तरह से जितने वर्ड मान लीजिए इसमें कोई छूट गया तो छूट, जो छूटा उसको छोड़ी, पहले जितना लिखा उसको अपना हमने सेव कर लिया, यानी लिख जो हमारे पास आ गया है, एक बार लिखा जो आ गया वो दोबारा ना गड़बड़ करे, यही है जितना हमने कमाया वही उसको हमने ऐसा दबा कर रख लिया उससे कोई दाग ना लगने पाए, यही तरीका है, यही नेचुरल लाइफ में, यही हर जगह है, जो हमने आज पढ़ा उसमें फिर दाग ना लगे। अब इतने और लिखा, फिर जो गड़बड़ हुआ है उसको हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया, फिर दोबारा फिर अपनी स्पीड को चाहे तो उसी स्पीड में चाहे बढ़ा के, जितना आपको लगता है हम 80 लिख ले रहे हैं तो बढ़ा के करिए,
आपको लगता 80 नहीं बना तो अभी थोड़ा 25% कम करके पहले लिख लेंगे। वैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं कि 80 के नीचे हमें शुरुआत ही नहीं करना है, सीधी बात है, 80 के नीचे शुरुआत ही नहीं करना। 80 के नीचे 25% आप रिड्यूस करोगे स्पीड तो 60% 50-40 तो हिंदी में लिख लेंगे, तो इसलिए आपको रिड्यूस नहीं करना, 80 ही शुरू रखना है। फिर आपने डिक्टेशन लगाया शुरू से ही, इसको खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया, फिर डिक्टेशन लगाया शुरू से ही। अब हमने मान लो 25 वर्ड 10 वर्ड जो भी लिया, आपको लगता 50 लेंगे 50, आपको लगता 10 लिया तो 10, फिर दोबारा इसी को लगाया, फिर अब बोला डिक्टेशन हमने चालू कर दिया। मान लीजिए लिखा महोदय यह मानना कि उनको रोका नहीं जा सकता गलत है, इस पर लिख लिया। अब इसमें मान लीजिए कोई छूट गया है तो उसको पहले छोड़िए, पहले जो हमारा बन गया उसको यहाँ पे फिर लिखा, हमने लिखा महोदय यह मान, अब की बार इस आउटलाइन से ये आउटलाइन अच्छी होनी चाहिए, मेन चीज़ ये बोल रहे थे, इस आउटलाइन से ये आउटलाइन हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब हम दोबारा लिख रहे हैं, अब जब भी कोई काम दोबारा करें तो अच्छा ही करें, इस आउटलाइन से इस राइटिंग से ये राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। माना कि उनको रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता गलत है, गलत है, इस तरह से। फिर जो लग रहा कि नहीं बन रही आउटलाइन, उसको बार बार प्रैक्टिस किया, यानी 10, 15, 20, 25 जितना लिया, पहले आप 2000, 500, 1000 जो भी लिखते हैं वो लिखें, लेकिन रोज आधे घंटे अगर आप बना लिए, एक हफ्ते आधे घंटे इस तरह से 25 वर्ड लिया, और 25 वर्ड को तब तक हमें प्रैक्टिस करना है जितनी स्पीड हम चाह रहे हैं। अगर हमारी इच्छा 100 तो 100 जब तक ना बनने लगे तब तक, अगर 80 है तो 80 में तब तक लिखना है जब तक हमारी 80 ना बनने लगे। बाकी फिर लिखा जितने भी एक्सरसाइज जो भी हम लिखा रहे हैं, आपके अभी क्लास चल रही है इस समय, जो भी आपके एक्सरसाइज लिखा रहे हैं उस एक्सरसाइज को लिखते समय आप ये जरूर ध्यान रखें, पहले इधर लिखा 25 वर्ड, फिर इसको पढ़ के यहाँ लिखा जो नहीं, फिर अगला लिखा 25 वर्ड, फिर यहाँ लिखा जो नहीं समझ आया पहले यहाँ रफ किया, फिर यहाँ पहले यहाँ लिखा जो नहीं समझ में आया जल्दी नहीं यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया फिर लिखा। इस तरह से आपको प्रयास करना है, आप एक हफ्ते करके देखिए, 100% आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, काफ़ी अच्छे ढंग से इम्प्रूव होगी। तो बात समझ गए होंगे, तो पहले आपको सीन में पहले तो वर्ड्स जो बन रहा है उसको बनाया, जो समझ में नहीं आया उसको तो करना ही नहीं है, उसको अपने आउटलाइन देखा, जो समझ में आया हम सवाल वही कर रहे हैं, जब समझ में नहीं आया तो पढ़ रहे हैं, फिर आपको स्पीड बढ़ाने को बता रहे हैं, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है। तो पहले तो जो जल्दी नहीं बन रहा उसको हमने रफ में कॉपी कर लिया, यहाँ बढ़िया से लिखा, फिर इस आउटलाइन को अच्छी राइटिंग में यहाँ लिखा, इसका लिखा, फिर हमने डिक्टेशन उतना चलाई, जब देखा हमारा बन जा रहा डिक्टेशन चलाई, बनाया यहाँ पे, फिर जितना बनाया यहाँ लिखा, फिर उसमें जो छूटा यहाँ पे फिर प्रैक्टिस किया, फिर दोबारा, यानी 3 बार 25 वर्ड लिया या 50 लिया, कम से कम 3 बार, और 3 बार हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे जब तक नहीं बने तब तक, आपको हो सकता है एक बार बन जाए तो हम 3 बार क्यों करें, एक बार अच्छा बन जाए तो आगे बढ़ेंगे, तो आपको जब तक नहीं बने तब तक आपको प्रयास करना है। इस तरह से करिए, अगर इसमें कोई और चीज़ कमी आती है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपको और अच्छा तरीका और भी प्रयास करेंगे कुछ समझाने का, जिससे आपकी ग्रोथ हो, आपकी स्पीड बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, धन्यवाद।